खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर के कस्बा पहासू सहित लगभग 40 गांवों की पिछले 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप हो रखी है। बिजली न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, हल्की बारिश होने से पहासू बिजली घर की मशीनों में पानी भर गया है। बिजली घर पर तैनात कर्मचारियों का कहना है कि अगर पानी भरे होने पर बिजली की आपूर्ति छोड़ी जाती है तो कहीं न कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है, यहाँ जन्माष्टमी के दिन भी मंदिरों में अंधेरा छाया हुआ था। बिजली न होने से लगभग 40 गांवों के लोगों में आक्रोश है। बता दें, 36 घंटे बाद भी बिजली चलने की कोई भी सुचारू व्यवस्था की सूचना अभी तक नहीं आई है। क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू शर्मा है। अच्छा रिंकू जी, आप ये बताइए, बिजली घर पर आप बैठे हैं तो किस कारण बैठे हैं आप लोग धरना लेकर? हम सब लोग नगर पंचायत के वर्तमान सभासद, हम सब लोग इसलिए बैठे हैं, लगभग 3 दिन से लाइट की समस्या पहासू में नहीं है। और हमारी 2 शर्तें हैं इस बिजली विभाग से। एक नई बिल्डिंग को लगभग 2.5 साल बने हुए हो गया, तो आज तक उस ये जो मशीन जो लगी हुई है, छोटी सी बारिश पड़ती है तो लाइन कट हो जाती है, पहासू में लाइन नहीं आती है। उसके बावजूद भी हम ये चाह रहे हैं कि जो ये मशीन जो इसमें लगी हुई है नई बिल्डिंग में जाए और हमारे लिए पहासू के लिए 24 घंटे की जितनी भी लाइट सप्लाई होती हो नगर में आराम से होती है। समस्या इतनी है कि आए दिन पहासू में नगरों में तार टूटते हैं, रात को 11-11 बजे फोल्ड हो जाते हैं, फिर कोई भी जो जोड़ने नहीं आता। और ये तार नहीं, बताया जा रहा है कि करीब 36 से 38 गांव की लाइट करीब 3 दिन से गायब है, उसको लेकर किस तरह क्षेत्र के लोगों को समस्या आ रही है? इतनी बड़ी समस्या है कि हम उस बात को आपसे मीडिया के द्वारा बता नहीं सकते हैं, कि क्योंकि अधिकारियों के ऊपर की जो अधिकारी हैं, चाहे उसमें एक्शन हो, SC हो या चीफ साहब हो, उसमें इतना है कि फ़ोन मिलाते हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या का समाधान ये है, क्योंकि ये भी जो कहते हैं कि प्रतिनिधि करते हैं, हम प्रतिनिधि के आधार पर भी नहीं कहते, ये विभाग का भी काम होता है। विभाग हमसे बिजली का बिल लेता है और विभाग की ये होता है कि उसके बावजूद भी हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो कोई हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि जन्माष्टमी में 24 घंटे लाइट आएगी, लेकिन बताया जा रहा क्षेत्र में लाइट ही नहीं आई 3 दिन से? कोई नहीं आया, कोई त्यौहार के जन्माष्टमी के लिए कोई लाइट नहीं आई, उसकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। आज का धरना बस इसलिए ही है कि हमारी 2 समस्याओं, क्योंकि पुरानी मशीन नई बिल्डिंग में जाए और जो पहासू की जो लाइन की लाइटों की तारों की समस्या वो पूर्ण हो, ये हमारा कहना है। और ये जब तक ये समस्या नहीं होगी, जब तक हमें उच्च अधिकारी समय नहीं देंगे, हम जब तक इसी धरने के आधार पर डटे रहेंगे। ये है। क्या नाम दादा आपका? सर मेरा भगवान सिंह। अच्छा, ये कौन सा बिजली घर है? ये पहासू बिजली घर। अच्छा, आप इस पर क्या काम करते हैं? SSO। अच्छा, SSO जी। दादा, बिजली की क्या समस्या है? बिजली की सर यही समस्या है कि यहाँ पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण हमारी मशीनें बंद रहती हैं, फिर यहाँ हादसा होने की संभावना रहती है, जब पानी निकलता है तब चालू हो पाती है। अच्छा, जिस तरह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लाइट नहीं आ रही है, लोगों का आरोप है कि 50 गांव कम से कम 36-38 घंटे से लाइट ना आने की वजह से परेशान है। जी जी, तो जी। ये कारण क्या रहा जी? ये सब बारिश की वजह से और जो यहाँ पानी भरा हुआ है उसकी वजह से। अच्छा, बिजली विभाग तो ये कह रहा है कि तमाम मशीनें अच्छी जगह सेफ रखी हुई हैं, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो तमाम मशीनें पानी में डूबी हुई हैं। फिलहाल पानी के अंदर ही आ जाती हैं, जब पानी भर जाए, बारिश होती है, पानी भर जाता है। तो अधिकारियों को आपने अवगत कराया इससे? हाँ, बिल्कुल करा दिया। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? वो कह रहे हैं बदलवाने, कह रहे हैं दूसरी जगह शिफ्ट कराने ही कह रहे हैं। जो नई बिल्डिंग हमारी तैयार हो चुकी है उसमें संभावना बदलने की। अच्छा, जिस तरह से बिजली घर पानी में डूबा हुआ है और अगर अचानक बिजली आ जाती है तो कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता है इससे? हाँ, बिल्कुल भी हो सकता है। तो उस समय आप किस तरह की? उस समय 1:32 बंद करा देते हैं। अच्छा, जब पानी अधिक हो जाता है 1:32 हम बंद कराते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी जी।